हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। राधे राधे सबको। और अभी देखो, आज मैं अपना फिर से स्किन केयर करने जा रही हूँ, तो स्किन केयर के साथ साथ मैं तैयार भी होंगी, थोड़ा मोड़ा जो घर पे करते हैं ना बस वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना। रोज़ वाटर से मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है क्योंकि मैं नहाई थी, तो उस टाइम मैंने फेस वॉश कर लिया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं रोज़ वाटर से। और मैं कोई भी जो ऑयल होता है ना वो नहीं लगाती, मतलब सीरम वगैरह फेस पे। मैं बस कोकोनट ऑयल लगाती हूँ चेहरे पे रात में सोते टाइम। उससे क्या होता है ना, फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है और जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह होता है वो हट जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं काला कहीं वाइट ऐसा दिख रहा है, तो वो नहीं होता। वो मतलब प्रॉपर नॉर्मल, मतलब स्किन टोन ना प्रॉपर बराबर रहता है हर जगह पे, तो वो बेहतर होता है और सबसे आसान है वो। क्योंकि नारियल का तेल तो भाई सबके घर में अवेलेबल होता है, तो इसके वजह से वो बेस्ट है। और हम मतलब मेरा तो पर्सनली फेवरेट है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे रोज़ वाटर से। और मस्त इसको अपने चेहरे पे लगा लेंगे। इससे क्या होता है ना कि चेहरा बहुत हाइड्रेट रहता है और मतलब अच्छा रहता है, तो फेस को ना हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद अब हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। और वो ये देखो, मतलब जो कल मैं अपना लगाई थी ना वो मिल्क पाउडर, चाय पत्ती और हनी वाला, तो उससे देखो इधर का पिंपल ना बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वर्क कर रहा है। मैं उसको और रिपीट करूँगी। मैं एक बार और लगाई थी रात में और इधर भी, तो अभी तो एक दिन में लगाई हूँ तो ये है तो रिज़ल्ट। और उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी एक वीक और कंटिन्यू करूँगी उसके बाद फिर उसका मैं रिज़ल्ट देखूँगी। तो वैसे तो अभी में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है वो, तो आगे का देखेंगे। तो नेक्स्ट लगाते हैं ये एलोवेरा जेल जो कि मेरा अब ख़त्म होने वाला है। और अब उसके बाद फिर लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। और वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं और लगभग आ ही गई हैं थोड़ा थोड़ा, तो फेस ना थोड़ा सा सूखने जैसा हो जा रहा है, ड्राई होने लग रहा है, जबकि मेरा ऑयली फेस है फिर भी। तो चलिए फिर लगाते हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल। इसको लगाते टाइम थोड़ा सा मैं मसाज भी कर लूँगी चेहरे का। इससे क्या होगा कि मेरा एक साथ दो काम हो जाएगा। वैसे तो मैं रात में ऑयल से मसाज करती हूँ चेहरे का, पर इससे भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखो ये हो क्या है। ऑयल से करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ऐसे हाथ मतलब स्मूथली चलता है फेस पे। अब मेरे को वो लेना है जिससे मसाज किया जाता है फेस पे। अब है बारी एलोवेरा जेल की। तो मेरा तो ये भी मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है और मेरा अभी बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ से लेकर आऊँ। तभी थोड़ा बहुत चल जा रहा है, कुछ एक दो दिन और चलेगा, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो मेरे को ना इधर का टेंशन हो गया था, पर अब लग रहा है कि थोड़ा ठीक हो जाएगा ये। बाकी देखते हैं प्रॉपर कब ठीक होता है। फिर मेरे को लगाना है क्रीम क्योंकि मॉइस्चराइज़र हो गया, मतलब स्किन केयर वाला प्रॉपर काम हो गया यहाँ पे। अब जो मेरे को रेडी होना ना वो करते हैं। थोड़ा एक क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, काजल, बिंदी और थोड़ा सा लिप बाम। तो ये मेरा फेवरेट है, मतलब कि बचपन से ही लगाते, तो भाई बड़े हुए तो भी यही लगाने लगे। कहीं बाहर जाना हो तो फिर लैक्मे का क्रीम यूज़ करते, पर अभी घर जाना हो तो मैं ये भी नहीं लगाती। पर ठीक है, आज मेरा मन हो रहा था कि थोड़ा क्रीम भी लगा लूँ क्योंकि इससे थोड़ा लगता है कि दाग वगैरह जो रहता है ना चेहरे पे वो चला जाता है, कम हो जाता है मतलब। तो चलो फिर क्रीम भी हो गया। अब देखो तो क्रीम लगा थोड़े गोरे दिख रहे हैं क्या। तो भाई फेयर लवली तो बचपन से हम लोग लगाते हैं क्योंकि मम्मी लगाती थी, तो जनरेशन टू जनरेशन मतलब मेरे तक वो आ गया। मतलब फेयर लवली का क्रीम और पॉन्ड्स का पाउडर मतलब मेरा फेवरेट है वो। अभी भी मैं कोई पाउडर खरीदने जाती हूँ, खरीदती तो हूँ बाकी, पर पॉन्ड्स खरीदना मेरा कंपलसरी है वो। तो चलो फिर तैयार होते हैं फटाफट। तो
गर्मी में तो भाई नॉर्दन पाउडर कंपलसरी, एकदम ऐसे ऐसे पूरा थोप लो फेस पे और छोड़ दो, उससे क्या होता है कि फुंसी नहीं निकलता है चेहरे पे और क्या होगा, और थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो देखो अभी लग गया है पाउडर भी और अब लगाएंगे काजल, क्योंकि काजल लगाने से मेरा फेस ना थोड़ा अच्छा दिखता है। तो अब है काजल की बारी। तो देर मैं बहुत दिन के बाद काजल लगा रही हूँ, कभी कभी मेरा आँख जलने भी लगता है इससे। तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और अब है लिप बाम की बारी। तो ये छोटू सा क्यूट सा मेरा लिप बाम, तो ये कलर वाला है। और लास्ट में लगाएंगे बिंदी, फिर बाल और फिर मेरा मेकअप कंप्लीट। और फिर ये देखो, ये है फेवरेट। तो देखो हो गया मेरा मेकअप डन, और फिर बारी है काम करने की, तो वो मैं कर लूंगी। हमेशा तो मैं अपना हेयर है ना वो हाथ से सुलझा लेती हूँ, कॉम बहुत कम करती हूँ। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मौज करिए। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।